हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो ये व्लॉग सरस्वती पूजा का है एंड ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पे टेडी और शिनचैन अपना दोनों भाई खेल रहे हैं एंड घर वर मैंने क्लीन कर लिया है, साफ कर लिए पूरी तरीके से। एंड ये है पूजा का फल वगैरह सामग्री, सब कुछ आ चुका है। पिछले वाले रात को ही ला दिया मेरे हस्बैंड ने। एंड ये रही हमारी माता सरस्वती। सो इस बार हमारे घर पे सरस्वती पूजा हो रहा है, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड दोनों भाई का प्यार, इनका प्यार ज़रा आप देखो, इनकी नज़र ना लगे भाई गॉड। एंड टेडी तो है ही, वो अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खुद ही बना लिया अपने आप। अभी बज रहे सुबह के 9:30 बज रहे हैं। घर पूरा क्लीन कर दिया है सबसे पहले, और घर क्लीन रहने से बहुत ज्यादा शांति मिलता है। एंड हमारे घर पे पूजा होगा 12 बजे, जो मुझे पता चला है। पूजा का पूरा प्रिपरेशन हो गया, मेरे सास ने कुछ किया है एंड मैंने भी थोड़ा बहुत किया है। फल वगैरह मैंने काटा है, शिनचैन को नहला दिया है एंड बुक्स वगैरह भी दे दिया है। सो यहाँ पे हर चीज़ रेडी है। पंडित जी भी आ चुके हैं एज यूजुअल, 12 बजे को ही आए हैं, थोड़ा बहुत लेट हुआ। एंड पूजा स्टार्ट हो चुका है। सो इस बार हम सब लोग अंजलि लेंगे घर पर जो है। एंड मेरी जेठानी जो है वो अपने स्कूल जाएंगे, क्योंकि स्कूल में पूजा है इसी वजह से। अंजलि वगैरह लेना हो गया, पूजा खत्म हो गया। सो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ ये ब्यूटीफुल साड़ी के साथ, जो मेरी जेठानी का है, मेरा नहीं है। सो ये बहुत ही कंफर्टेबल, सिंपल एंड कॉन्शियस साड़ी है, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। यहाँ पे कैंडी को देखिए, अपने भाई के जैसी ही है वो, जस्ट उसको छोड़ने के लिए देरी रहता है। सो पूजा कम्प्लीट हो गया, यहाँ पे मैं खा रही हूँ प्रसाद एंड फिर मैं निकल गई अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए। एंड आज रास्ते में सिर्फ माता सरस्वती हमको दिखेगा, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। हम 6 फ्रेंड्स निकले थे एंड ये डोलू साइड है शायद, पता नहीं मुझे नाम, पर बहुत ही अच्छा व्यू है। बहुत ही सुंदर सा पूजा का दिन है। सो हमने सोचा हम बोनो दुर्गा बाड़ी आए, जहाँ पे मैं अंकिता के साथ फर्स्ट टाइम आई थी दुर्गा पूजा के टाइम। सो यहीं पे हम आए दर्शन के लिए हम सभी फ्रेंड्स के साथ। मेरा ड्रेस इतना अच्छा नहीं था, मतलब इतना क्लीन नहीं था, इसलिए मैंने दूर से ये दर्शन किया माता का। इतना यहाँ पे अभिषेक अपना खिचड़ी एंजॉय कर रहा है, उसको इतना पसंद है खिचड़ी, उसको भूख भी लग गया है। सो ये यहाँ पे आप जब भी आओगे आपको प्रसाद जरूर मिलेगा। यहाँ पे फोटोशूट एज यूजुअल, काफ़ी टाइम हमने फोटोशूट ही किया। हम लोग का फोटोग्राफर टायर्ड हो गया है। लंच के लिए हमारे ब्रदरहुड में जो हाईवे पे खुला है, पूजा के टाइम में भी आई थी, बट इनका सर्विस जो है एक्सट्रीमली स्लो है। 1 घंटा बाद हमें खाना मिला, बट खाना काफ़ी अच्छा था, हम सबको पसंद आया। जो जो हमने ऑर्डर किया, बिरयानी किया, राइस, पुलाव, पनीर, प्रॉन, एवरीथिंग वॉज वेरी टेस्टी। रास्ते में हमारे आते वक्त हमने देखा काफी सारा एक्सीडेंट्स, लिटरली बहुत ज्यादा खराब लगता है। एक लड़का का तो पूरा स्पॉट डेड हो गया, यहाँ पे 2-3 जगह पे एक्सीडेंट हुआ जब हमने स्पॉट किया, इसलिए बहुत ज्यादा जाम लग गया पुलिस वगैरह की वजह से। क्या पहनेगी शाम को? कपड़ा पता नहीं।
घर आ गए काफी ज्यादा टायर्ड बट ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग डे रहा है। यहाँ पे मैंने अपना मेकअप रिमूव कर दिया है एंड सी द रिजल्ट। ओ माय गॉड इतना ज्यादा। यहाँ पे शिनचैन रोते रोते मम्मम के लिए। सो अभी बज रहे हैं शाम के 6 एंड थोड़ा समय रेस्ट करना है फिर और एक इनविटेशन में जाना है क्योंकि आज है मेरे एक फ्रेंड का एनिवर्सरी, 5th ईयर का एनिवर्सरी। इसी वजह से उधर जाना है। सो उधर मैं शिनचैन को लेके जाऊंगी। जो हम सब लोग एग्जॉस्टेड हो गए हैं, सडन प्लान्स आर ऑलवेज स्पेशल एज आई ऑलवेज से एंड बहुत ही मस्ती भरा दिन था बहुत ज़्यादा। एंड बाकी थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ एंड फिर से रेडी भी तो होना है। रेशमी हैप्पी एनिवर्सरी। তুমি বলছো তোমার ভালো ফ্রেন্ড রেশমি, তুমি ওকে দাও ওটা ফুল দাও, ফুল দাও, ফুল দাও রেশমিকে দাও না। आज है 14 फरवरी। सो मेरे दोस्त का एनिवर्सरी है एंड सरस्वती पूजा भी था तो बहुत ही अच्छा मौका है। सो सभी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को प्रपोज करने में लगे हैं। खूब सारा मस्ती भरा डांस करने के बाद यहाँ पे हम 11 बजे को, पता नहीं था मैंने सोचा घर पे 10 बजे जाऊँगी बट 11 बजे हम डिनर कर रहे हैं। जीरा राइस एंड पनीर बहुत ही टेस्टी था यहाँ का खाना एंड यहाँ पे कुछ ऐसा सीन चल रहा है फोटोशूट एंड प्रपोज। बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक करने के बाद रियली आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गया। सुबह से पूजा एंड इसका एनिवर्सरी काफ़ी मज़ा किया पूरा दिन एंड वापस घर आ गए। घर आते वक्त मैंने फरीदा को छोड़ दिया अपने घर। सो दैट्स द वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। टिल देन सी यू द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।